आप अभी देखो क्लास 11th में हो, ठीक है, आप एक साल पढ़ोगे अपनी पूरी क्लास 11th की पढ़ाई, जो कब ख़त्म होगी आपकी, मार्च 2024 में, राइट। फिर उसके बाद आप क्लास 11th को क्लियर करके आ जाओगे कौन सी क्लास में, क्लास 12th में। क्लास 12th भी पूरे एक साल पढ़ोगे, वो आपकी कब ख़त्म हो जाएगी, मार्च 2025 में, राइट। तो इन दो साल की स्टडी के अंदर और इन दो साल में आप जो भी एग्ज़ाम्स दोगे, खासकर अपने स्कूल के या बोर्ड्स के, सीबीएसई के, उन एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स आपको मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिकल दुनिया में या जो आप सपने देख रहे हो बनने के, सीए, इकॉमर्स, मैनेजमेंट, एक्स वाई जी, उसमें इनकी बहुत लीस्ट इम्पॉर्टेंस है। क्या ये बात आपको पता है? तो मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे का गाइडेंस दे देता हूँ। जब आप अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम देते हो मार्च 2025 के अंदर, तो उसके बाद आपको पता है, आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में, आपने बोला था ना ई कॉमर्स करना है, या किसी ने बोला था मुझे मैनेजमेंट करना है, राइट, आपने क्लैट बोला था लॉ करना है, या किसी को बी कॉम ऑनर्स करना होता है, या आपने बोला था सी ए करना होता है, किसी को सी एस करना होता है, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स करने होते हैं। तो जो पहले मैं आपको बताता हूँ जिनको कॉलेजेस चाहिए, तो कॉलेजेस के एडमिशन के लिए आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं CUET, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो एग्ज़ाम होता है मई के महीने में। कौन से महीने में? मई के महीने में। इसी तरह जैसे आपने बोला था कि मुझे सीए करना है ना, आप बच्चों ने कहा था कि हमें सीए करना है, तो जो सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन, वो कब होता है? मई के महीने में। मतलब जो आपको पहला एलिजिबल अटेम्प्ट मिलेगा वो मिलेगा मई 2025, राइट। अब आप जो प्रैक्टिकली अपने सपने देख रहे हो वो इस पड़ाव से होकर गुजरेंगे, यानी कि अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको CUET में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, परसेंटाइल अच्छी लानी पड़ेगी, तब आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा या अपना मन पसंदीदा कोर्स मिलेगा जो आप करना चाहते हैं, राइट। इसी तरह आपने अगर कहा CA या CS या लॉ, तो उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो एंट्रेंस है, वो आपको मई 2025 में क्रैक करना पड़ेगा, तब आप एक तरह से सीए कोर्स में आगे बढ़ पाओगे, नेक्स्ट लेवल्स पर आ पाओगे, उसकी तैयारी कर पाओगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप क्लास 11th में पूरे साल पढ़ते हो, क्लास 12th में पूरे साल पढ़ते हो, और यहाँ पर अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम्स दोगे आप मार्च 2025 में, तो 95% बच्चे जो इग्नोर करते हैं, वो क्या इग्नोर करते हैं कि वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जस्ट अगले 50 दिन बाद ही उनका वो एग्ज़ाम या उनका वो एंट्रेंस या उनका वो कह लो बड़ा दरवाज़ा है जिसके लिए आप आज बैठे हो। आज आपने बैठते ही कहा ना कि सर मेरे को ई कॉमर्स करना है, आपने कॉमर्स क्यों ली थी? सोचो, आपने कॉमर्स 11th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ली है क्या? नहीं। 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ली है क्या? नहीं। आपने कॉमर्स क्यों ली? जब मैंने पूछा वाई कॉमर्स, तो सबका आंसर क्या था? मैनेजमेंट, सीए, ये एक्स वाई जी, ये सब था ना आंसर। तो पॉइंट यही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप आज कॉमर्स का ऑप्ट करते हो, कॉमर्स चुनते हो, तो आपका सपना है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। ये देखो, ये आप हो, ये आपके सपने हैं, आपको यहाँ पहुँचना है, जहाँ वो छोटे छोटे आदमी दिख रहे हैं आपको, आपको वहाँ पहुँचना है। लेकिन दो साल आप इस इग्नोरेंस में ही रहते हो, आपको पता ही नहीं होगा या आप तैयारी ही नहीं करोगे कि जैसे ही दो साल ख़त्म होंगे, आपका 12th का बोर्ड्स ख़त्म होगा, उसके 50 दिन बाद ही एंट्रेंस होगा, राइट। और उस एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उस एंट्रेंस के सिलेबस के अंदर आपका 11th का भी कुछ सिलेबस आता है, 12th का भी कुछ सिलेबस आता है, और कुछ नए चैप्टर्स भी आते हैं। और उन एंट्रेंस में मैडम जो आप कह रही थी, उसमें अप्लाइड मैथ्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स का पोर्शन थोड़ा कम होता है। तो बस एक वहाँ पे एडवांटेज है अप्लाइड मैथ्स की, ठीक है। तो डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मेरा काम डराना नहीं था, मेरा काम था आपको सिर्फ राह दिखाना कि ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि जिन्होंने मैथ्स ही नहीं ली है तो वो देखो कितने बड़े, एक तरह से कह सकते हैं, डेंजर जोन में रहेंगे अगर वो ये दो साल इग्नोरेंस में रहते हैं। क्योंकि जिन्होंने मैथ्स नहीं ले रखी, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा क्वेश्चन, CUET के एग्ज़ाम में तीन सेक्शंस होते हैं टोटल। एक होता है सेक्शन वन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश, एक होता है सेक्शन टू जिसको हम कहते हैं डोमेन, और एक होता है सेक्शन थ्री जिसको हम कहते हैं जनरल एबिलिटी। सेक्शन वन इंग्लिश मैं मान लेता हूँ आप सब कर लोगे, जैसा इन्होंने कहा था, एक दिन पढ़ के पास हो जाते हैं, ठीक है, हालांकि उसकी इंग्लिश थोड़ा अलग होती है। सेक्शन टू जो डोमेन होता है उसका मतलब होता है कि जो भी आप मेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हो अपने क्लास 11th एंड 12th में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स या व्हाटएवर। और जो सेक्शन थ्री होता है जनरल एबिलिटी, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ GK भी लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरह के इस तरह के क्वांट जिसको बोलते हैं, अगर आपने सुना हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका टेस्ट करते हैं। तो आप ही से पूछते हैं मैडम, तो जिसने मैथ्स नहीं ले रखी तो वो क्या करेगा? आप उन सिचुएशन में ना फंसो जिनमें अभी बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं और जो हमारे पास आते हैं जब वो देखते हैं हम, तो 12th ख़त्म होने के बाद बच्चा इस ड्यूरेशन में परेशान होता है और वो सोचता है बस मैं 50 दिन में अब सारी तैयारी कर लूँगा। तो इन 50 दिन में सारी तैयारी करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ आपने दो साल नहीं करी और दो साल जिसने मैथ्स पढ़ी ही नहीं, तो उसको 50 दिन में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप अपने ऑब्वियसली या तो ड्रीम कॉलेज को छोड़ दोगे, या ड्रीम कोर्स से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या कुछ लोग फिर क्या करते हैं, अटेम्प्ट डिले कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रॉप करना, है ना, ड्रॉप करना। तो CUET में कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप करते हैं, और CA के अंदर जो आपने कहा कि हमें CA करना है, तो वो क्या करते हैं, नवंबर वाला अटेम्प्ट देते हैं। तो एक तरह से आपने अपने 6 महीने वेस्ट ही करे। अगर आप नवंबर में भी जा रहे हो तो इसका मतलब आपने अपना एक एलिजिबल अटेम्प्ट क्या करा, खराब करा। बचपन से पेरेंट्स क्या हमें फोर्स करते हैं, भाई कोई भी क्लास वेस्ट नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना, क्लियर है कहानी? तो इसीलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसीलिए जो हमारा प्रोग्राम होता है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, जो हमारा बैच है बुनियाद बैच बेसिकली, उसके अंदर हमारा ये प्रोग्राम ही इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको जब प्रिपेयर करवाते हैं तो ये सोच के प्रिपेयर नहीं करवाते कि बस आपको क्या करना है, 11th करनी है। हमारा फोकस ये नहीं होता कि अगले हफ्ते आपका चलो यूनिट टेस्ट है, उस यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है वो दो चैप्टर करा दिए, काम ख़त्म हो गया। नहीं, हमारा जो अप्रोच होती है, हमारे का मतलब है, मैं पूरी RKG की टीम की बात कर रहा हूँ, हमारी अप्रोच ये होती है कि हम अगर आपको यहाँ से एंट्री पे पकड़ते हैं तो आपको हम एग्ज़िट पर कहाँ पर छोड़ेंगे, जिस सपने के लिए आपने कॉमर्स लिया है। ऑब्वियसली आपने कॉमर्स इसलिए थोड़ी ना लिया कि सर मेरा कॉमर्स लेने का पर्पज़ ये था कि मेरे को मंडे के यूनिट टेस्ट में 20 on 20 चाहिए, ये तो नहीं है ना आपका। आपका कॉमर्स लेने का गोल क्या है कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊं, कॉमर्स लिया है, मैं अच्छा कोर्स करूं, मैं ई-कॉमर्स करूं। तो हम उस अप्रोच को ध्यान में रखते हैं। तो इसीलिए जो हमारी स्टडी पैटर्न रहता है, हम आपको 11th भी पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपकी 12th की तैयारी भी करते हैं, उसके बाद आपके एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं, और हम इस तरह से उसको प्लान आउट करते हैं कि ग्रेजुअल वे में आप 11th के साथ 12th के साथ अपनी सारी प्रिपरेशन करते रहते हो। तो जैसे मैडम आपने पूछा था ना, जिसके पास मैथ्स नहीं भी है तो वो क्या करेगा, तो उसके पास दो साल का इतना एम्पल ऑफ टाइम होता है कि वो धीरे 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 सिर्फ अपने एंट्रेंस के पोर्शन की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आपका जो अल्टीमेट लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए, मैं उस अप्रोच को बदलना चाहता हूँ, आपका अल्टीमेट लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका भाई ऑब्वियसली आपने कॉमर्स क्यों लिया है वो होना चाहिए। तो अपना विजन थोड़ा सा 2-2.5 साल के हिसाब से रखना है आपको, रादर देन शॉर्ट टर्म। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो अपना शॉर्ट टर्म टारगेट रखते हैं, आज सोचेंगे 2 हफ्ते बाद का यूनिट टेस्ट अच्छा हो जाए, ऐसे करते करते आपके 2 साल निकल जाएंगे, और बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद फिर आपको लगेगा कि अब मेरे को 50 दिन बचे हुए हैं, अब मैं कैसे CUET की तैयारी करूँ या कैसे CA की तैयारी करूँ, तो चलो ड्रॉप कर देते हैं या अटेम्प्ट डिले कर देते हैं। राइट, क्लियर होगी पॉइंट? तो आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो सिलेबस होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सेम होता है। आओ वो भी समझा देता हूँ। मान लो आप 11th में ये सिलेबस पढ़ते हो, राइट,
क्लास ट्वेल्थ में आप ये सिलेबस पढ़ते हो राइट, तो आपके एंट्रेंसेस का जो सिलेबस होता है वो कुछ पोर्शन इस ब्लैक में से आएगा, कुछ पोर्शन इस रेड में से आएगा और कुछ पोर्शन तो नया आएगा न्यू। इन सबको मिलाकर आपका बनेगा एंट्रेंस का पेपर, चाहे हम सीए की बात करें या चाहे हम कॉलेज एडमिशन की बात करें। तो आप ना तो एलेवेंथ की चीज़ों को इग्नोर कर सकते ना ट्वेल्थ की चीज़ों को इग्नोर कर सकते, और नया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हम तो नया भी करवाएंगे एंड पुराना भी करवाएंगे, क्योंकि हमारा तो एक पूरा कोर्स प्लान एक स्ट्रक्चर तैयार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपने अकाउंट्स में स्कूल में किसी ने कुछ पढ़ाई करी अभी तक, कुछ भी क्या पढ़ा है बताओ? टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली है, वो चैप्टर टू पढ़ लिया है, और चैप्टर वन बेसिक पढ़ लिया होगा कि अकाउंटिंग क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा ऐसा पढ़ लिया। एडवांटेज लिमिटेशन, ये ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको उसके सिलेबस पे लेके चलता हूँ, CA फाउंडेशन के, ठीक है। CA फाउंडेशन के अंदर चार पेपर्स होते हैं, सिर्फ जस्ट आपके डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। पहला पेपर है अकाउंटिंग का, ठीक है, तो इसका चैप्टर वन जो है उसका यूनिट वन का नाम पढ़ना, तो ये आपके क्लास इलेवेंथ का चैप्टर वन है। सेकंड यूनिट का नाम पढ़ना, ये आपके क्लास इलेवेंथ का चैप्टर थ्री है, अगर आपने बाय चांस गलती से इंडेक्स देखा हो उसमें ये चैप्टर थ्री है जो आप अभी पढ़ोगे इलेवेंथ क्लास में। इसी तरह यूनिट थ्री पढ़ना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो आपने कहा कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, ये आपका चैप्टर टू है। तो बेसिकली ये इसमें पूरा सिलेबस है। देन इसमें अगर मैं आपको ट्वेल्थ का सिलेबस नहीं पता होगा, ये सब जो आप यहाँ चैप्टर्स देख रहे हो ये कुछ चैप्टर्स ट्वेल्थ के चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स इसके अंदर ऐसे चैप्टर्स हैं जो नए चैप्टर्स हैं। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अलेवेंथ क्लास का, ट्वेल्थ क्लास का और न्यू पोर्शन तीनों ही कम्बाइन मिलेगा, चाहे आप कॉलेज के लिए एंट्रेंस प्रिपेयर करो या प्रोफेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस प्रिपेयर करो। क्लियर है? तो आपको डर तो नहीं लग रहा? तो आपको डरना नहीं है, मेरा पर्पज़ आपको डराना नहीं है, लेकिन मेरा पर्पज़ है आपको आगाह करना, क्योंकि आई एम 100% श्योर ये बातें, इस तरह की बातें कोई भी 11th में डे वन पर नहीं करता। हर कोई किताब उठाएगा, पहला चैप्टर पढ़ देगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग फलाना ढिमकाना, तो मैं भी चाहे वो कर लेता, लेकिन हमारा गोल क्या है, हमारा मेन एम क्या है? मतलब आपका मेन एम है कि आपने कॉमर्स क्यों लिया है, राइट? तो हमको या आपको स्पेशली, मेरे को तो नहीं, मैंने तो कर लिया जो करना है, आपको स्पेशली अपना विजन क्लियर रखना है कि ये हमारा गोल है, ये हमारा एम है, तो आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। 2.5 साल का प्लान है, इस तरह से सोचना है, एंड 11th इज बेस बिल्डिंग।